सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको यूरिक एसिड का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। इसका पिछला वीडियो था जिसमें मैंने उसके कार्य कारण और खाने और औषधि संबंधित बात की थी। इस वीडियो में मैं आपको आसन प्राणायाम वगैरह बतलाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, खड़े होकर के जानुभारासन करते हैं। दोनों पैरों को सटा लेंगे, घुटना सीधा रहेगा, जमीन पर हाथ रखेंगे, फिर हाथ को ऐसे मोड़ लेंगे, फिर ऐसे मोड़ लेंगे, फिर इसको नजदीक लाएंगे और चेहरे को स्पर्श हटाएंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे और रुके रहेंगे। ऐसा 3 मिनट तक करना है आपको। अब इसके बाद पद्म चक्रासन करेंगे। पद्मासन लगा लिए और पीछे से हाथ के सहारे से ऐसे हो जाएंगे। अब इसको गोल गोल घुमाएंगे। ऐसा ऐसा 5 बार घुमाएंगे, फिर उल्टी दिशा में घुमाएंगे। अब इसके बाद योग मुद्रासन करेंगे। हाथ को पीछे पकड़ लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और आगे धरती पर सटाएंगे। दाढ़ी को सटाने की कोशिश करनी है, जिनका नहीं सटता है वो इसको सटा सकते हैं, कपार को। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। ऐसा ऐसा 5 बार करेंगे, फिर साइड में करेंगे, बाएं साइड दाएं साइड। अब मत्स्य आसन करेंगे। तीन मिनट तक रहना है आपको। अब हलासन करेंगे। पैर को आगे ले गए, अब इसको पीछे पैर को सटा देंगे। इधर से भी दिखा दे रहा हूं आपको। अब पार्श्व चालनासन करेंगे। दोनों हाथों को फैला लेंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठा करके इस बाएं हाथ पर रखेंगे, फिर दाएं हाथ पर रखेंगे और ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे।
सांस को रोक के रखेंगे। एक सांस में जितनी बार चला सकते हैं और ऐसा ऐसा 5 बार करेंगे। अब उधर मुष्टिकासन करेंगे, दोनों उंगलियों को नाभि के भीतर घुसा देंगे और आगे की ओर झुकेंगे। इसको नाभि में घुसा के चलाना है, नाभि में। एक बार मैंने करके दिखाया आपको, 5 बार करने हैं और एक मुट्ठी को जोर से दबाना है। अब प्राण आसन करेंगे, पैर को एड़ी को नाभि में रखेंगे, इसको सटा लेंगे। तीन मिनट तक रहना है सामान्य श्वास पर श्वास, फिर इसको यहाँ रहेंगे। तितली आसन करेंगे, तीन मिनट तक। फिर वक्ष पीड़ासन करेंगे, जो कर सकते एक जगह नजर टिकाएंगे और इन दोनों पैरों को उठा करके हाथ से दबा देंगे सीने में। मत्स्येन्द्र आसन करेंगे, पैर को मोड़ लेंगे, पैर को पार कर लिए, घुटना सीधा रहेगा, दूसरे हाथ से पार करके इसको पकड़ लेंगे, पीछे मुड़ेंगे, पीछे देखेंगे और हाथ से जांघ को पकड़ेंगे। इसी क्रिया को आप दाहिने तरफ से दोहराएंगे। तीन मिनट तक रहना है आपको। पश्चिमोत्तानासन करेंगे, सीधा हो जाएंगे, पैर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों से ये इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पर सटा देंगे सर को। सांस सामान्य सी रहेगी। इसको कर लेने के बाद पूर्ण पश्चिमोत्तानासन करेंगे, ये 3 मिनट करेगा। पूर्ण पश्चिमोत्तानासन करेंगे, इसको इस तरह से फंसा लेंगे और आगे एक और बढ़ा देंगे और उसके बाद सर को सटा देंगे। जिन लोग को मोटापा होता है उनको भी यूरिक एसिड बहुत बढ़ती है, इससे मोटापा खत्म हो जाएगा। अब ऊर्ध्वमुख जानुशीर्षासन करेंगे, पैर को फैला देंगे, एक हाथ से
इधर से पकड़ लेंगे पलट के, सर को इधर रखेंगे और इस हाथ को इधर रख देंगे। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे पांच पांच बार करेंगे। अब नाभ्यासन करेंगे, लेट जाएंगे पेट के बल पर और दोनों हाथों को नाभि के नीचे रख लेंगे और नाभि के बल पर ही पूरे शरीर को उठा देना है। अच्छा 3 मिनट रहेंगे, इसके बाद नौकासन करेंगे। दोनों हाथों को आगे रखेंगे, दोनों पैरों को पीछे, हाथ को भी उठाएंगे और पैर को भी उठाएंगे नाभि के बल पर। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। आप सर्पासन करेंगे, एक हाथ के ऊपर एक हाथ, ऊपर की ओर देखेंगे। तीन मिनट तक आप फिर त्रियक सर्पासन करेंगे, पीछे देखेंगे, एड़ी को देखेंगे, इधर से उल्टी एड़ी को, फिर पिंडली को, फिर जांघ को, फिर चित्तड़ को, बटक को। अब उसे दूसरी तरफ देखेंगे, एक एक मिनट आपको एक एक जगह पर रुकना है, यानी एक मिनट एड़ी पर, एक मिनट पिंडली पर, एक मिनट पट्टे पर, एक मिनट बटक पर, जो जहां तक देख सकते हैं। अब हिंडोला आसन करेंगे, लेट जाएंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और आगे पीछे झूलेंगे, श्वास को बाहर निकाल के श्वास को रोक देंगे और रोक कर कई झूले हैं। इसको आप 5 सांस तक रोक करके करेंगे। इसके बाद नाभि हस्त शलभासन करना है, इसमें नाभि पर हाथ रख लेने, दोनों कपाल जमीन पर सटा रहेगा और दोनों पैर हवा में रहेंगे, ऊपर उठेगा कमर सहित, और वो भी सांस रोक करके ही होगा।
जब स्थिर हो जाएंगे तो सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तीन मिनट तक रहेंगे। अब मरकट आसन करते हैं। सिर को पीछे रख लेंगे, पैर को थोड़ा सा फैलाएंगे और पैर को जमीन से सटा देंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस को रोक देंगे। अब सुप्त सिर बद्ध हस्त करुणासन करेंगे। इसमें दोनों हाथों को ऐसे फंसा लेते हैं। ध्यान रहे कि ये जमीन से सटे रहेंगे और जमीन को छोड़ेंगे नहीं, जमीन से उठेंगे नहीं। दोनों पैरों को लपेट लेंगे, जैसे गरुड़ आसन में लपेटते हैं उसी तरह से लपेट लेंगे ऐसे। फिर सांस को छोड़कर सांस को रोक देंगे और जमीन से सटाएंगे दोनों तरफ ही। आपको ऐसा ऐसा 5 बार करना है। फिर चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल पर पूरे शरीर को उठा देना है। अब इसका अगला भाग जो है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसका अगला भाग भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार ओम।